नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों ये एक्सेल की सीरीज का हमारा पांचवा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप को किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर आप होम टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले तो जो ग्रुप है वो यहाँ पर देखिए पेस्ट स्पेशल कट कॉपी पेस्ट का है, ये हमने कवर कर लिया है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप, ये भी हमने कवर कर लिया है। अगला है दोस्तों यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट ग्रुप, तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं किस तरह से इनका यूज आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो डेटा है वो टाइप किया हुआ है, कोई भी डेटा आपको टाइप करना पड़ेगा तभी आप इनका यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल में। ये दोस्तों एमएस वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, लेकिन एक्सेल में अलग है थोड़ा, एमएस वर्ड में थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस डेटा को दोस्तों सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस डेटा को मैं थोड़ा कर लेता हूँ जूम। जूम करने के बाद आप इस डेटा को देख सकते हैं कुछ इस तरह से टाइप है। अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप में देखेंगे यहाँ पर दो पॉइंट हाईलाइट हो रहे हैं। एक तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पर मिडिल में हमारा अलाइनमेंट है वो हाईलाइट हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर जो लेफ्ट में है हमारा अलाइनमेंट वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो अगर देखिए मैं इस बीच वाले पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट यहाँ पर सेंटर में हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया हुआ है नंबर, और आप उसे राइट साइड में करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट में क्लिक कीजिए इस पर, तो इसके बाद ये राइट में हो जाएगा। अगर आप इसे सेंटर में नहीं करना चाहते, जैसे अभी ये बीच में है, इस सेल को मैं थोड़ा देखिए बड़ा कर देता हूँ, इस तरह से मैं बड़ा कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये बीच में है। अगर आप इसे नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक कीजिए बॉटम में, तो देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पर नीचे हो जाएगा। अब आप इसे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे, देखिए ये नीचे हो गया है। अगर आप इसे बीच में ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिडिल में क्लिक कीजिए तो ये बीच में हो जाएगा। अगर आप इसे लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इसे टॉप में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये टॉप में हो जाएगा। अगर आप इसी टेक्स्ट को लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए, सेंटर में क्लिक कीजिए, जैसा आपको रखना हो वैसा रखिए। जैसे वैसे दोस्तों जो टेक्स्ट होते हैं वो राइट साइड में होते हैं तो हम राइट साइड में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में हैं। अगर आप इस सारे को सेलेक्ट करना चाहें तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए मिडिल में कर देंगे तो ये मिडिल में हो जाएगा। अगर सेंटर में है तो देखिए सेंटर में तो है ही, और मिडिल में भी इस तरह से कर सकते हैं, मिडिल और सेंटर में, तो इस तरह से आप कर पाएंगे। अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस सेल को, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपको टेक्स्ट हैं थोड़े से इधर से टेढ़े मेढ़े ओरिएंटेशन इनका दिखाई देगा, तो इन्हें भी आप किस तरह से करेंगे। मान लीजिए मुझे ये नेम वाला, इस तरह से मैं इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एंगल देख सकते हैं, कई तरह के जो एंगल हैं यहाँ पर आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं टेक्स्ट को, यहाँ पर वर्टिकल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, या किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी तरह से इनका जो प्रीव्यू है आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे दूसरे वाले पर क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर पहले से देख लेता हूँ, देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो आप इनका यूज करेंगे तो दोस्तों इसी तरह से पहले आपको अच्छे से इनका यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद यहाँ पर कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल में करूँगा तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगा, थोड़ा इसे बड़ा कर लेता है तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टल या किसी भी तरह करना है, इस तरह से करना है, तो देखिए यहाँ पर जो नेम है कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा नीचे से। अगर आप नीचे वाले पर करेंगे तो देखिए जो आपका नेम है वो इस तरह से ऊपर से लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट मान लीजिए दोस्तों यहाँ से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, जो सबसे लास्ट वाला है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए इस तरह से इस लीवर को पकड़ के जितना भी करेंगे ना उतना हो जाएगा। मान लीजिए इतना करना है तो यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए इतना ही यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है तो मैं इस सेल का थोड़ा साइज यहाँ से कम कर दूंगा, तो देखिए कम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से इनका यूज है कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे यूज हैं इनके, आप ओरिजेंटर करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, तो पूरा ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से इनका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। जो नंबर वाला फॉर्मेट कैटेगरी है दोस्तों, इससे आप क्या करेंगे कि यहाँ से कोई नंबर फॉर्मेट है, मान लीजिए एक्सेल को पता नहीं होता है कि ये नंबर फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट है, इसका यूज आगे देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस है।
तो फिलहाल आप इसी तरह से कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल जेड से कर देता हूँ फिलहाल अंडो। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर अलाइनमेंट में ही आप देखेंगे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यहाँ पर ऑप्शन है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। मैं फ़िलहाल इसको कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से सेंटर में। मान लीजिए दोस्तों आपको इस डेटा को यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया और आपने इसको कर दिया यहाँ पर राइट में, अलाइनमेंट आपने कर दिया राइट। अब आपको चाहिए कि भैया इसका थोड़ा जो अलाइनमेंट है ना थोड़ा लेफ्ट में हो जाए। तो दोस्तों अगर आप इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा लेफ्ट में करेंगे तो ये पूरा लेफ्ट में हो जाएगा, सेंटर में करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। मान लीजिए आपने सेंटर में कर लिया है, आपको थोड़ा सा राइट में और करना है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो अलाइनमेंट है ना आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा, इंक्रीज इंडेंट का, तो आप इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा आगे या पीछे देखिए इस तरह से कर सकते हैं। आगे करना है तो थोड़ा सा कीजिए, पीछे करना है तो थोड़ा सा कर दीजिए। इस तरह से आप इनको इंडेंट को थोड़ा बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है ब्रैप टेक्स्ट का। तो ब्रैप टेक्स्ट का क्या यूज होता है चलिए आगे देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस साइड आके चलता हूँ और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर इस सर्च बॉक्स को मुझे इसी सेल में लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूँगा, तो वो इस सेल में नहीं होगा। मैं यहाँ पर मैंने सर्च बॉक्स टाइप किया हुआ है, उसके बाद मैं क्या करूँगा इस सेल का जो साइज है थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा ब्रैप टेक्स्ट पर तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इस सेल को कर देता हूँ थोड़ा छोटा, तो देखिए क्या होगा, इस सेल का थोड़ा साइज मैं बढ़ा देता हूँ तो देखिए सर्च बॉक्स इस तरह से एक ही सेल में आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके इसको सेंटर में कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो सर्च बॉक्स है एक ही सेल में आ गया है। अगर आप इस तरह से कुछ टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से जो ब्रैप टेक्स्ट है इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम ये होती है, अगर ये सेल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो दोस्तों ये फिर से बड़ा हो जाएगा। इस सेल को आप छोटा करेंगे तभी ये छोटा होगा। मान लीजिए मैं इस सेल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ तभी ये छोटा होगा। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इस सेल में मान लीजिए आपकी जो सेल है वो बहुत बड़ी है उसी में आप टाइप करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने ये सेल थोड़ी बड़ी कर दी इस तरह से, अगर मैं इसमें सर्च बॉक्स टाइप करूँगा, मान लीजिए इसमें मुझे सर्च बॉक्स टाइप करना है तो मैं यहाँ पर देखिए SERCHBOX एंटर करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और जो सर्च बॉक्स है ना इसको टाइप करने के बाद इसके बीच में लिखूँगा। यहाँ पर मान लीजिए आप पहले टाइप कर रहे हैं, आपने सर्च टाइप कर लिया उसके बाद अल्ट के साथ एंटर दबा दीजिए, अल्ट के साथ एंटर दबाने के बाद BOX आप टाइप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से भी आप टाइप कर सकते हैं। अब आप इसे यहाँ पर सेंटर में कर दीजिए। अब आपकी जो सेल है चाहे तो दोस्तों छोटी हो चाहे आपकी जो सेल है वो बड़ी हो, ये सर्च बॉक्स जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप जो शॉर्टकट की है अल्ट एंटर इसका यूज कर सकते हैं। आगे वाला ऑप्शन है दोस्तों हमारे यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई नाम टाइप कर देता हूँ अमित, उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर दबाता हूँ। उसके बाद में देखिए जो अमित लिखा हुआ है, इस अमित को आप देखेंगे तो जे वाला जो हमारा कॉलम है इसमें लिखा हुआ है। अगर मैं इस अमित को जे वाले कॉलम में और के वाले कॉलम में दोनों में लिखना चाहता हूँ, जैसे ये सर्च बॉक्स दोस्तों लिखा हुआ है ये FGHI, ये चार कॉलम में लिखा हुआ है, इस तरह से मैंने इसे मर्ज किया हुआ है। तो आप इस तरह से अगर कितनी भी सेल में करना चाहते हैं उतने सेल को सेलेक्ट करेंगे। मैं इन दोनों में करना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ पर करूँगा मैं मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए जो अमित है वो यहाँ पर दोनों सेल में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद इसे मिडिल में और सेंटर में कर दीजिए तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये डेटा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों और भी ऑप्शन है, आप इसमें देखेंगे एरो में क्लिक करेंगे तो मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज। अनमर्ज पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से अनमर्ज हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इस पर करेंगे मर्ज अक्रॉस पर तो भी इस तरह से मर्ज हो जाएगा, लेकिन ये सेंटर में नहीं होगा, सेंटर में आपको यहाँ से करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है इससे ऑटोमेटिक ये मर्ज होकर बीच में सेंटर में हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप मर्ज एंड सेंटर का यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था दोस्तों अलाइनमेंट ग्रुप का था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको जो एक्सेल के, MS वर्ड के, फोटोशॉप के, कोरल ड्रॉ आदि जो वीडियो हैं वो मिलते रहें। तो अब तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।